प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर और पत्रकार शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाजिया राय खान जी, जो कि ना सिर्फ बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बल्कि चर्चा करेंगी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में भी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आप इसे लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। जिस हिसाब से बांग्लादेश से आरडीएक्स और बॉम्ब मंगवाना स्टार्ट किया, और जिस हिसाब से राइफल मंगवाना स्टार्ट किया, असलाह और बारूद मंगवाना स्टार्ट किया, उससे ये समझ में आ गया यूएन को भी और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को भी कि इसकी दशा और दिशा दोनों नाकाबिले बर्दाश्त है, इवन अनपार्डनेबल सिन है, और इसके ऊपर कड़ी नजर तो रखी जाए पर मुलाकात बिल्कुल ना किया जाए। जैसा पाकिस्तान एक जमाने से हिंदुओं पर करता आया है, सिखों पर करता आया है, और 23.3% माइनॉरिटीज हिंदुओं को खत्म करके पाकिस्तान ने 1% किया है, ठीक वैसे ही यहां पर हो रहा है। और यूनुस साहब पाकिस्तान से ट्रीटी करके इसीलिए बुलवा रहे हैं आरडीएक्स, असला और बारूद, ताकि जो 1-1.5 करोड़ से ऊपर हिंदू बचे हुए हैं उनको भी खत्म कर दिया जाए। मुस्लिम कट्टरता नहीं है, ये तालिबानी एक्टिविटीज है, ये जिहादी एक्टिविटीज है, ये मुसलमान नहीं है। ये मुसलमान का नाम रख करके ये अपने क्रिमिनल और अपनी आतंकी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, अपने अश्लीलता के नंगे नाच को इस्लाम का नाम दे करके उसको एक्सक्यूज दे रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं। आजादी आजादी मिल गई, आजादी दे दिया प्रधानमंत्री ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी दिया है, उसको मौज करो, लाल चौक पे हनुमान चालीसा पढ़ो, भारत का झंडा लहराओ, बोलो भारत माता। तो आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश से इनकार मोदी साहब ने किया क्योंकि वहां पे कट्टरता थी, वहां पर हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा जो है अत्याचार किया गया, मतलब जुल्म किया गया, और पाकिस्तान के आवाम से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, बात ह्यूमैनिटी की भी यहाँ पर होती है कि हिंदुओं ने तो बांग्लादेश में कुछ ऐसा किया ही नहीं था। लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे मालदीव रिवर्स हुआ था, बांग्लादेश के भी रिवर्स का टाइम आ गया, या फिर ये 5-6 महीने मजीद ऐसे रहेगा? क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर बनती है जब बांग्लादेश और इंडिया के बीच कुछ ऐसे होते कि मुलाकात नहीं हो रही, इंडिया ने ट्रेड बंद कर दी, इंडिया ने जो है वीजाज डिले कर दिए, और इंडियन आर्मी ने जो BSF है उन्होंने बांग्लादेशियों को कहा कि प्लीज आप वापस लौट जाओ, आपको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देंगे। तो ये जो खबरें बन रही है, आपको क्या लगता है कितना टाइम तक बांग्लादेश और इंडिया का इस तरह चलता रहेगा? जब तक बांग्लादेश की सरकार हमारे हिंदू भाई बहनों को सुरक्षित और पूरी इज्जत के साथ जो उनका लीगल राइट है वो नहीं दे देता, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री इनको माफ कर सकते हैं, या इनका जो हुक्का पानी है वो फिर से चालू हो सकता है, मुझे नहीं लगता। अब आपने मालदीव्स की बात कही है, मालदीव्स खुद अकड़ा था और हमने कुछ भी नहीं कहा था, मालदीव्स खुद पैर पर गिरा है। तो उसी तरीके से बांग्लादेश के इंट्रीम जो सरकार है, जो यूनुस साहब है, वो उन्होंने वो जब शपथ ले रहे थे तो उन्होंने कहा था कि वो पूरे माहौल को, पूरे सिनेरियो को वो 1 हफ्ते के अंदर सॉर्ट आउट करेंगे और फिर से बांग्लादेश जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, जिसमें वो फेल हो चुके हैं। तो या तो वो अपने अपने तख्त को छोड़ दें और आर्मी के हवाले ही कर दें उसको, और या तो फिर बांग्लादेश इस्लामिक जो है वो अलग कर दे और बंगलिस्तान अलग कर दे, जिसमें सिर्फ हिंदू रहेंगे, हमारी आर्मी उनको प्रोटेक्ट करेगी। मुझे एक मजे की बात याद आई कि बांग्लादेश की जानिब से वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी को भी एक थ्रेट लेटर आया कि आप जो है भारत से अलहदगी का जो है वो मुतालबा करें, ये मैं स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ। तो ये क्या, आप तो कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है माफी मांगेगा, बांग्लादेश तो यहाँ पे भारत को खुद के साथ मिलाने की जो है बात कर रहा है। तो मोहम्मद यूनिस की सरकार की पॉलिसीज तो कुछ बहुत ही कहते हैं ना पहुंची हुई लग रही है। नहीं, क्योंकि हमारे मैं शैला पश्चिम बंगाल की वोटर हूँ, मैं अभी भी आपसे जो बात कर रही हूँ वो वेस्ट बंगाल से ही कर रही हूँ। अच्छा। और हमारे वेस्ट बंगाल में जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार हुआ करती थी, कम्युनिस्ट की, और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, बहुत तब तो मतलब लेफ्ट फ्रंट की सरकार में भी शायद मेरी पैदाइश नहीं हुई थी। और मैं एक्टिवली पॉलिटिक्स को पश्चिम बंगाल में
2010 से ही देख रही हूँ, तब तक मेरी उम्र बहुत कम थी। तो यहाँ पर घुसपैठिया जो है ना, बांग्लादेशी घुसपैठिया, वो इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं। और जब फैमिलीज आती है, दो चार लोग आते हैं, फिर वो अपने लोगों को बुलाते हैं। और पॉकेट वोट बनाने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोटी बोटी भी दिया है, आसरा भी दिया है और छत भी दिया है, क्योंकि वो पॉकेट वोट बन जाते हैं उनके, उनकी सरकार ना गिरे। उसके बाद जब ये बांग्लादेश में जो एक बहुत डरावना माहौल चल रहा था, उस वक्त भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ऐलानिया कहा था कि मेरा दरवाजा खुला हुआ है, जो जो बांग्लादेशी छात्र मतलब स्टूडेंट आना चाहते हैं वो आ जाएं। लेकिन वैसे ही उस वक्त शेख हसीना साहिबा जो है वो बांग्लादेश में ही थी, उस वक्त वो निकली नहीं थी वहां से। उस वक्त तुरंत उनके फॉरेन मिनिस्टर ने तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी जी के सरकार को लेटर लिखा कि किस अथॉरिटी से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा बयान दिया है। वो सिर्फ एक राज्य की मुख्यमंत्री है, किसी भी तरीके के फॉरेन पॉलिसीज पर, किसी भी तरीके से केंद्र सरकार की पॉलिसीज पर वो इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं। और जो स्टूडेंट के रूप में जो जिहादी बैठे हुए हैं, जो आतंकी बैठे हुए हैं, वो उसको इनवाइट कैसे कर सकती हैं। जैसे ही शेख हसीना के निकलने की बात आई, वो सरेंडर हो गई पश्चिम बंगाल की जो नेत्री है हमारी, जो मुख्यमंत्री, उन्होंने तुरंत कहा कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री डिसीजन लेंगे हम उसी को मानेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमानों की तरफ, खास करके घुसपैठिया बांग्लादेशी मुसलमानों की तरफ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का झुकाव इतना ज्यादा है, जिससे उनको कॉन्फिडेंस मिला है, उन आतंकी और जिहादियों को कॉन्फिडेंस मिला है कि हम ममता बनर्जी को और पश्चिम बंगाल की सरकार को कन्विंस कर पाएंगे कि आप भी हमारे में शामिल हो जाएंगे, आप भी शामिल हो जाएंगे। पर मुझे उम्मीद है, कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल की सरकार उनको करारा जवाब अब तक तो नहीं दी है, लेकिन आने वाले वक्त में मैं उम्मीद करती हूँ कि वो दें, और जरूर दें। पर हम जब तक केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकियों से इस देश के 28 राज्यों का कोई भी राज ना कभी जुड़े था और ना कभी जुड़ सकता है, जब तक आदरणीय प्रधानमंत्री बैठे हैं। ठीक है नाजी जी, ये स्टेटमेंट को आप किस तरह से जो है क्लियर करती हैं कि जो भारत है वो मोहम्मद यूनिस के साथ इस वजह से भी मिल बैठ नहीं रहा, क्योंकि जो शेख हसीना थी वो तो भारत की पपेट थी ना, इसलिए भारत को वो बहुत अच्छी लगती थी, और इंडिया जो है ना शेख हसीना के बड़े गुण गाता था, और अब क्योंकि शेख हसीना वाजिद नहीं रही है तो आप भारत का उस तरह से इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में नहीं रहा, तो ये कहीं ना कहीं तो सवाल भारत पे भी उठते हैं, तो इस स्टेटमेंट को आप किस तरह क्लियर करती हैं? देखिए, आप दो तरीके के सवाल खुद कर रही हैं, और या तो फिर अपना हिजाब खुद खोल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक तरफ आप कह रही हैं कि क्या मालदीव्स की तरह बांग्लादेश भी घुटने टेक देगा, और ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब जो इंटरिम सरकार लेकर के बैठे हैं, उनको मोदी जी को इनवाइट करना पड़ा और मोदी जी ने साफ कह दिया कि नहीं आएंगे, जाओ, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कर दिया। तो अगर पपेट या कुछ ऐसा बनाना होता या करना होता तो हम तो मालदीव्स के प्रेसिडेंट को भी पपेट बना करके रखते। ऐसा जो देखिए, सनातन धर्म के मानने वाले जो कट्टर हिंदू होते हैं ना, वो पपेट, किसी के साथ धोखाधड़ी करना, झूठ बोल करके किसी का नुकसान करना, किसी को आतंकी चेहरा दिखाना या किसी का बुरा करना, ये सनातन धर्म कट्टर हिंदू नहीं करता, कभी भी नहीं करता, कभी भी नहीं करता। एक गुजारिश थी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने, एक गुजारिश इंटरिम सरकार से किया था कि जो दृश्य हिंदुओं के लिए हो रहे हैं वहां पर बांग्लादेश में, आप उसको खत्म करवा दीजिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप बहुत फले फूले और आप बांग्लादेश को बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, लेकिन हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको आप जल्द से जल्द खत्म करवाएं। ये एक गुजारिश थी ना। अब वो गुजारिश अगर जानबूझ करके बांग्लादेश की इंटरिम सरकार मोहम्मद यूनुस साहब नहीं मान रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री को यह कर्तव्य बनता है कि वो अपने हिंदुओं के लिए स्टैंड लें, और जहां जहां भी इस दुनिया में हिंदूज हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं, उन सब का नेता, उन सब का लीडर सिर्फ एक है, वो है भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके ऊपर यह कर्तव्य बनता है कि वो हिंदुओं की आवाज बने, और जिस देश में भी हिंदुओं पर अत्याचार होगा
वो अपनी अपनी कट्टरता जरूर दिखाए। ठीक हो गया, तो हम समझ चुके हैं कि बात यहाँ पर मोहम्मद यूनिस की नहीं है, बात उनकी उन पॉलिसीज की है जो वो इस वक्त हिंदू बांग्लादेशी हिंदू के लिए कर रहे हैं, इस वजह से मोदी साहब उनसे अमेरिका में नहीं मिले। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा कि नाजिया खान जी ने इस बार ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश को भी उसकी औकात दिखा दी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आपके लेटेस्ट नॉलेजेबल और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।